हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सब लोग? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से, करेक्ट 10 बज रहे हैं। पता नहीं जैसे स्टार्ट करती है 10 या 5 मिनट ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो 10 बज रहे हैं और अभी हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है। अभी लंच भी नहीं बना है, तो आज है नवरात्रि की अष्टमी और अभी नहा धोना कुछ नहीं हुआ। जस्ट श्रेया गई है अभी नहाने के लिए, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी क्योंकि आज बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग भी है और वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। तो दिया तो बोली दिया बोली उसको स्कूल ड्रेस ही नहीं मिली, तो दिया नहीं आने वाली है। श्रेया और मैं जाएंगे, देखो कब कितने बजे तक जाते हैं। पहले तो ये नहाने घुसी, मैं नहाऊंगी अभी। मैंने सोचा था आज अष्टमी के दिन हमारे यहाँ मंदिर तैयार हो जाएगा, तो मंदिर में कलर तो हो गया है बट अभी जो खिड़कियाँ हैं तो उसमें कलर चल रहा है, और पर अभी शाम तक शायद हो जाए मंदिर तैयार। तो उसके बाद फिर दिया बत्ती करेंगे, आज मंदिर भी बनाना है, मैंने तैयार करना है। तो फिलहाल तो आज बच्चों के कमरे में काम चल रहा है, फिर शायद कल हमारे कमरे में होगा और गैलरी में होगा। तो फिलहाल सब यही काम चल रहा है, थोड़ा घर अस्त व्यस्त है, बैठक भी पूरा ऐसा फैला पड़ा हुआ है। तो अभी तो भैया और दिया का व्रत नहीं है हमेशा की तरह, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ मांस की खिचड़ी। और हमारे नहीं, हमारे बाद में स्कूल आने के बाद दूध चाय बना देंगे कुछ फटाफट। तो ये रहे मांस, तो फटाफट खिचड़ी बनाती हूँ। फिर से किचन फैला हुआ है, कितना भी मैं साफ़ कर रही हूँ फिर भी किचन फैला ही हो रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा ये रैक लगाता था मैंने, तो टूट फूट हो गया था कॉर्नर इसका दीवार का, तो यहाँ पे भैया ने फिर से लगा दिया है दीवार बनाने के लिए। फिर से ऐसा हो गया है किचन में काम। और स्टे के पापा बोले ना ये थोड़ा सा कलर मज़ा नहीं आ रहा है ऑफ वाइट दोनों दीवारों में, तो साइड में हम सोच रहे हैं कि या तो दोनों दीवार ब्लू कर दें या फिर एक दीवार ब्लू कर दें, यारी करें यारी इन दोनों में से एक करेंगे। और बाहर बहुत अच्छा मस्त मौसम हो रहा है, तो पहले तो फटाफट बच्चों के लिए दिया और दिया के मामा के लिए बना देती हूँ। और आज मुझे ना ये खोए पाए में मेरे ये 2 कंगन भी मिले, ये 4 थे पर मुझे 2 ही मिले हैं, क्या पता 2 अब और मिल जाएं, अभी कुछ कह नहीं सकती पर 2 मिल गए साफ सफाई के दौरान। तो दोस्तों अभी मैं निकल चुकी हूँ बच्चों के पेरेंट्स के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 10:51, 11:30 बजे तक बोला था यार अंकल के आऊँ ले देखा मम्मी जल्दी चल गया पीछे देख रहा है। दिया नहीं आएगी क्योंकि दिया की ड्रेस नहीं मिली है। शोर में जा रहे हैं अभी नहाए जस, और आज मेरे को भी अष्टमी नहा दोगे अभी सॉक्स भी मेरे को इतनी बड़ी मुश्किल से मिले ना। इसके बाद अभी श्रेया के पापा मैं शायद मंदिर भी जाएंगे फटक से चक्कर, क्योंकि अभी तैयार लगे हो तो फिर घर जाकर तो वैसे ही बन जाऊंगी भूतनी फिर से। तो अभी जस्ट मैं आ चुकी हूँ घर और अभी बजा है 12:15 और श्रेया यहाँ पे कर रही है लंच मांस की खिचड़ी। और हुआ ऐसा कि हम लोगों ने अभी पता करा तो व्रत कल है, आज अष्टमी और नवमी कल 2 दिन भी एक पड़ रही है। तो अभी जो व्रत रखा था तो श्रेया खाने लगी है, दिया ने खा लिया, मैं दोबारा खाना बना रही हूँ, तो दोबारा से मैं खिचड़ी बना रही हूँ मांस की। एक बार खिचड़ी बन चुकी है दोबारा बन रही है, और जो पहली वाली बनाई थी उस श्रेया ने खाया अभी और दिया ने, अभी हमारे बन रहा है श्रेया के पापा मिल ले। श्रेया बोली मैं और खाऊंगी। हाँ निकाल दिया मैंने चटनी। तो ये दोबारा बन चुका है हमारा लंच, और अभी बजा है 1:10। तो हम बात कर रहे हैं लंच, घी है मांस की खिचड़ी है और साथ में चटनी है दोबारा बनाई है श्रेया के पापा और मैं कर रहे हैं। आ जाओ खाने में। तो अभी चली है बच्चों के रूम की सफाई, लगभग तीन बज चुका है, तो क्योंकि आज बच्चों का रूम जब अगर साफ हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहीं सोएंगे, फिर हमारे रूम को जाएगा काम आगे को बढ़ेगा। भैया अभी पेंट कर रहे हैं खिड़कियों में, हमारे यहाँ एक और नया पेंटर बाबू आया है, अगर किसी को ज़रूरत है दिवाली की तैयारी के लिए तो बुला सकते हैं। दिया ने नाम भी बता दिया, पंक्ति पेंटर वाले बोले को लगे पुताई में। यस क्या दिख रहा है, खराब होकर चले गए मार रखा है? नहीं सूखेगा, सूखेगा नहीं लगता ना, वो उसमें टेबल चिपकेगा भाई। एक सफाई के लिए, अगर दिवाली की सफाई के लिए अगर आपको कोई हेल्पर चाहिए यहाँ पे हमारी दिया मौजूद है, तो आप इसको भी बुला सकते हैं पापा के साथ। तो मेरी बस की बात नहीं है का, मुझे तो बिल्कुल ही मत बुलाना भाई पापा और दिया को बुला लेना क्या दिया ऊपर आप देख सकते हो, ये भी श्रेय है, ये रही और ये भी श्रेय है। कहाँ है आजकल, किस एंगल से तुम मेरा पति आज कल दिख रहा है? ऐसे बैठे हुए थे, मेरे
पड़ेगी तो वो मत करो यार। मेरा रूम देखने लायक नहीं हो रहा है, मेरे बच्चों ने बिस्तर तक नहीं उठाया है देखो सुबह से। अभी कितना बच्चों का है, 2:30 बजने वाला है। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब जैसा हो रहा है। अभी ये सब सामान बच्चों के रूम में जाएगा, बच्चों का सामान मैं बिस्तर उठा रही हूँ पहले। तो अभी जैसे मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी टाइम हुआ है 4:45 हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फटाफट नाश्ता बना रही हूँ भैया लोगों के लिए, पोहा। मैं सोच रही हूँ उन लोगों के लिए, बेचारे सुबह से काम में लगे रहते हैं, होने को तो अपना टिफ़िन लेके आते हैं, दिन में लंच करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ चाय तो बना रही हूँ, साथ में पोहा भी बना देती हूँ, क्योंकि अभी तक किचन मतलब चूल्हा नहीं लगा था, तो इसलिए थोड़ा सा वर्क चूल्हा लग चुका था, थोड़ा नाश्ता बन सकता है। पति देव भी आ चुके हैं ऊपर, तो फिलहाल फटाफट पोहा और चाय बनाती हूँ और उनको देते हैं। भाई क्या हुआ, चले गए एक भैया, चले गए ले, बताया भी नहीं, एक भैया चले गया। तो चाय पोहा एक भैया का दे दिया, एक भैया का वापस आ गया, बताया भी नहीं भैया ने कब गए। चलो कोई बात नहीं, आराम करते अपना। लो आपका सॉस लोगे, ऐसे ही लोगे बिना सॉस के? लो भी सॉस, ये इसमें से निकाल रहा यार, इतने सारे सॉस। दोस्तों आज डिनर में मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो लौकी को मैंने यहाँ पे कोल लिया कद्दूकस में, नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और अजवाइन और साथ में डाल दिए हींग। तो इसमें मैं बेसन डाल के अच्छे से इसको एक डो बना लेती हूँ। और ये रहा पानी जो कि लौकी से निकला है, एक पानी भी इतना ही निकला है, इसे मैं फेंकूँगी नहीं, इसे यूज करूँगी लौकी के कोफ्ते आते समय। तो मैं फटाफट इसको बेसन डाल के मिला लेती हूँ। कढ़ाई यहाँ गर्म हो चुकी है और तेल डालना मैं भूल चुकी हूँ आपसे कट्टे मारते मारते। तो सरसों का तेल ले लिया है कोफ्ते तलने के लिए। थोड़ा सा किचन में रेस्ट रेस्ट हो गया होगा तो इग्नोर कीजिएगा। और ये साबूदाना है, सुबह मैंने भिगा के रख दिया था, आज व्रत होगा करके, तो शाम को साबुदाने की कचौड़ी बनाएंगे डिनर में, बट आज नहीं है, कल है व्रत, तो कल बनाएंगे इसको, फिर बना देंगे वापस। गैस कर देते हैं, ठंडी मार्जिन तब तक सरसों का तेल गर्म हो रहा है, तब तक मैं इसमें बेसन डाल के इसे अच्छे से इसका डो बना लेती हूँ। तो अभी हमारा रूम भी यहाँ पे खाली होने लग गया है, सब सामान बच्चों के रूम पे जा रहा है, कल यहाँ पे होगा कलर। ये कपड़े पे जा रही है, इस कपड़े पे लेके जा रही सारे हैं, इधर कर लाओ फिर दो। हाँ संभाल के रखो ना। मम्मी लोग के रूम में बहुत सारा सामान था, बहुत सारा। तो क्या बोला तुम, हमारे रूम से भी ज्यादा, हमने अकेले अकेले कर लिया, लेकिन ऊपर ही एक कट्टा सामान। चुप रहे यार तुम लोग, है तो भी सारा। हाँ यार अभी तो ऊपर पापा के वो इनाम देखो जरा, ऊपर वो तो नहीं है, वो देख उसके ऊपर है ना, फिर एक वो देख रही है, फिर उसके ऊपर भी देखो, ये भी देखो। हाँ यार अभी मैं फिर से आती हूँ किचन में, अभी 7:30 होने वाला है और हालत ना इसी ख़राब हो गई ना, सोचते मानोगे मतलब मेरे समझ में नहीं आता है, जबकि हमारा छोटा सा घर है तो हमारी ये हाल हो चुकी, जिसके खूब बड़े बड़े घर होते हैं उसका क्या हाल होता होगा। मतलब घर छोटा ही होना चाहिए कि जिसे साफ सफाई कर सके आराम से, हालत ख़राब हो गई है। तो अभी किचन में आ चुकी हूँ, फटाफट करती हूँ तैयारी डिनर बनाने की। कोफ्ते बना के तो मैं चली गई थी लौकी के, तो फटाफट बनाती हूँ। और श्रेया कह रही है मम्मी रोटी बनाने के चक्कर में मतलब चावल बना दो, उससे वो कहने को तो सही कह रही है, क्योंकि चावल जल्दी बन जाएगा और रोटी बनाने में पहले अभी आटा गूंदना है फिर रोटी बनाना है, देखती हूँ क्या होता है। पहले मैं कोफ्ते तो चढ़ा लेती हूँ फटक से। अभी लगभग लगभग हमारा रूम खाली हो चुका है, सारा बच्चों के रूम पर शिफ्ट कर दिया है, और अभी बच्चे और श्रेया के पापा लगे हैं, वो अपना करेंगे, उन्होंने बोला तू खाना बना ले। तो दोस्तों लास्ट में मुझे श्रेया की बात मान ली मैंने, फटक से चावल ही बना लिया क्योंकि रोटी बनाने में टाइम लगेगा। तो ये रहे हमारे कोफ्ते, चावल अचार और साथ में चटनी। तो एंजॉय कर रहे हैं अपने डिनर को, और अभी बजा है 9 बजने वाले, बच्चे लोग अंदर बैठे खा रहे हैं, ये पतिदेव बच्चे अंदर खा रहे हैं। खा पी के आ चुके हम लोग रूम पे, और पतिदेव हम मोबाइल पे हैं, क्या देख रहे हैं, साथ साथ में सो चुके, देखो आँखें बंद है। इसका कारण ये कि जो हमारी टीवी लगी थी वो भी निकल चुकी है, तो इसलिए ये भी अपने मोबाइल पे लगे और मैं भी अपने मोबाइल पे लगी हूँ। देखो ज़रा नींद, देखो नींद आई है लोगों को। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है नाइट डे, तो अभी जस्ट बजे हैं 7:45, करीबन बज चुका है और मौसम मस्त हो रहा है, बाहर उजाला हो चुका है
तो करते हैं दूध चाय की तैयारी। और कल रात ना मैंने चने भिगा दिए थे, तो आज मैं बनाऊंगी चना। कल रात हमने अपना रूम खाली कर दिया, पर तो अभी भी थोड़ा सामान है हमारे रूम पे, तो वो भी थोड़ा खाली कर लेंगे थोड़ी देर में। 7:15 बजे तक ये भैया लोग भी पहुँच जाते हैं। दूध गर्म करके इनको दे देती हूँ और अकेले चाय बना देती हूँ, और फिर फटाफट काम करते रहेंगे और कपड़े डाल देती हूँ मशीन में धोने के लिए। तो अभी बाहर कन्या लोग घूम रहे हैं, कन्या पूजन करा रहे होंगे ना, तो सभी बच्चों को लेकर 10 लोग जा रहे हैं कन्याओं को, पूरे सामने दिख रहे हैं से। अभी मैंने फिलहाल मंदिर के सारे बर्तन धो दिए हैं, साथ में भगवान जी को भी साफ कर दिया, धो धा करके चक्कर बना दिया है। देखिए लोटा सब धो दिए हैं, ये रहे। तो इसको सूखने देते हैं, सूखेंगे फिर उसके बाद मंदिर में अच्छे से लगा लुगू कर देंगे। और यहाँ पे लंच बनके तैयार हो चुका है, तो ये रहे चने बनाए मैंने आज, और बिना लहसुन प्याज के बने हुए हैं चने, साथ में कद्दू की सब्जी, आलू बॉईल करने को रखे हैं यहाँ पे, साबूदाना भी खाया था ना कल, तो क्या पता सो सकता है आज कचौड़ी बनाओ शाम को टाइम मिले तो। और यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं, काम चल रहा है खतरनाक वाला। तो अभी जस्ट बजे हैं 12:45 और निधारण होना मेरा हो चुका है, और मैंने मंदिर में बिल्कुल तैयार कर दिया है। तो फटाफट पहले मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ, फिलहाल तो अभी हमारा अभी तक व्रत ही है, और लंच तो बन के तैयार हो चुका है, बट अभी पहले पूजा पाठ करते हैं क्योंकि टाइम ही नहीं हो रहा बिल्कुल भी नहाने धोने का। शायद बाबू भी जा चुके हैं नहाने के लिए, तो आवाज़ आ रही है, तो मैं फटाफट पहले तो दिया बत्ती करती हूँ, तब उसके बाद फिर और चीज़ करते रहेंगे। मैंने कहा व्रत है तो थोड़ा सा सदना संवरना भी ज़रूरी है, काम हो रहा है इसका मतलब ये थोड़ा कि हमेशा गंदी बने रहो, कभी कभी चलता है। तो अभी मंदिर का कमरा तो फैला पड़ा हुआ है, बट भगवान जी रख दिए वहाँ पे, नहा धुला के वस्त्रों को धो धा के सुखा के सब कर दिया है। तो मैं पहले बत्ती जला लेती हूँ, अभी माला वाला नहीं लगी है, अब इस दिवाली में नई माला लाएंगे तो नई माला लगाएंगे। और ये धूप अगरबत्ती जला जला के ऐसा काला हो गया ना, क्या पता निकल ही नहीं रहा है। मैं शिवाजी पापा से कह रही हूँ इसे पेंट वाला करना देते करके, वो सही रहता ना, हमेशा पेंट करते रहेंगे बस सनमाइका में। चलो कोई ना, देखते शिवाजी पापा जो कहेंगे जैसा कहेंगे ऐसा करेंगे। तो अभी जस्ट दिया बत्ती हो चुकी है, और क्या पता है टाइम हो चुका है 12, और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा भैया लोगों को चाय देनी थी 11 बजे का टाइम, भैया लोगों ने बोला था कि चाय हम 11 बजे तक पीते, तो मुझे बिल्कुल ही याद नहीं रहा क्योंकि इस मंदिर की साफ सफाई और दिया बत्ती के चक्कर में टाइम ही नहीं हुआ। श्रेपा आप भी हो बंदे में, और सुनो वो मुझे धूप का ना स्टैंड नहीं मिला है वहाँ पे, धूप ऐसे खाली ऐसे रखा था मैंने, उसमें स्टैंड लगा दो टूट के, नहीं डब्बे में नहीं था, तो वो कर दो। अब मैं भैया लोगों के लिए फटाफट चाय बना लेती हूँ, उन दोनों को चाय देती हूँ। चीनू के लिए सरप्राइज, हॉस्टल से आया तेजस, कब आया तू? कल दिन बच्चा, कौन छोड़ने आया तुझे अभी? कौन छोड़ने आया? नानी आई थी, तेरा बेटा है तेरे सरप्राइज, कैसा रहा सरप्राइज तेरा? अभी आया और अभी पहुंच के था, कल दिन में पहुंचा वाला, कल दिन में आया था। नहीं यार बंडी तो नहीं देखी तेरी, मिल तब तक तू मिल, चीनू से सरप्राइज तेरा बेटा है, चीनू ने देखा ही नहीं उनको, अभी तो पहुंचा ही है अंदर। हाँ मेरी चाय बोल गई इसके चक्कर में हो रहा है ठंडा। कितने में चली गई अब तू? हाँ कितने में गया, कितने में गया? फिफ्थ में चले गया, गया या अभी सिक्स में जाएगा? फिफ्थ में, सिक्स में जाएगा। चल ठीक है मैं चाय ही देती पहले आराम से। तो बच्चे अभी अपने रूम पे हैं, और इस रूम पे देखो कितना सामान है, मेरे रूम का सारा सामान फैला है। इस मैडम को देखो, जोई को, और ये सैंडी को देखो, दिया कहाँ है? दिया तुम्हारे लिए सरप्राइज है श्रेया, ये देखो आ जा जल्दी से आ जा। जोई कितना खुश हो रहा है, जोई कितना खुश हो रहा है, पहले खाना।
खाना खा, चलो खाना नहीं, चलो पहले खाना खाओ फिर आराम से बैठना। कहाँ से आ गया भाई उड़ते हुए? ये भीमताल से उड़ते हुए पहुंच गया यहाँ। दिया, दियू उठो, देख कौन आया, देख भैया है, यहाँ है भैया, वहाँ नहीं है। दिया तो वहाँ नींद में है, सुई को देखो, जो ही तो उसको जाने नहीं दे रही उसको। तो आज हमारे रूम पे हुई सफाई, मतलब सफाई नहीं, पेंटिंग, सॉरी। भैया चाय मिल गई ना? हाँ लेट हो गए थोड़ा, चाय आज और दिया बत्ती करी ना, सर लेट हो गई। तो अभी यहाँ पे हो रहा है हमारा लंच, कद्दू की सब्जी और चावल, साथ में चना फिलहाल, तो कद्दू और चावल खा। मैं भी लेके आई हूँ अपनी चाय इंजॉय करने के लिए। और ये देखो जरा यहाँ पे बच्चे, तो बच्चे पापा भी बच्चे बन गए यहाँ पे, उनो खेल रहे हैं तीन के तीन। तो आज यहाँ पे गैलरी का काम चल रहा है, माप केमिकल लगा दिया है। वहाँ पे लगा दिया है या इधर भी लगा देते थोड़ा सा नीचे, नहीं बस ऐसे यहाँ पे देखो चीरा जैसा लग रहा दिख रहा है वो, देखो दीवार के बीच में दिख रहा है आपको, वहाँ पे लगा दो। तो आज हमारा रूम हो रहा है, अच्छा भैया दरवाजे के जिस पीछे जाए। अच्छा अभी पुट्टी लग गई। तो अभी बच्चों के शाम के 3:30 और यहाँ पे चलिए नाश्ते की तैयारी। तो मैं आज बना रही हूँ कचौड़ी, और जो ये साबूदाना है ये मैंने कल ही भिगा के रख दिया था और कल नहीं बनाया क्योंकि ऐसे हो गया। तो आज साबूदाने की कचौड़ी बना रही हूँ। तो थोड़ा अभी चाय का टाइम भी होने वाला है पेंटर भैया लोगों का, तो उन लोगों को भी दे देंगे नाश्ते में और हम लोग भी खा लेंगे बच्चे लोग। और तन्नु आया है तो मैंने कहा चलो कचौड़ी खिलाते हैं उसको स्पेशल। तो यहाँ पे एक बार बन के बच्चों ने खा लिया है, अभी ये दोबारा बनी है, तिबारा है, चौबारा ये रही। तो अभी मैं फटाफट भैया लोगों के लिए चाय यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है और भैया लोगों के लिए डाल देती हूँ उसमें कचौड़ियाँ साबुदानी की, गर्म गर्म वो लोग भी खा लेंगे चाय के साथ। तो अभी जैसे हाथ मुँह धोना कर लिया है और अभी बच्चों का है 7:15 और अब फटाफट मैं करती हूँ संध्या काल की दिया बत्ती। और किचन में भी धूप जला लिया है, अंदर में मस्त वाली महकी गई जरा खुशबू। और अभी पर्दे नहीं लगे ना सामने से, तो उसे लाइट थोड़ा सा वॉक कर रहा है, तो सब अंदर का बाहर दी जाएगा। तो आज का हमारा डिनर है चावल की रोटी, माई फेवरेट, और साथ में बनी है चुकोनी और ये है चने का साग। तो लोग इंजॉय कर रहे हैं अपने डिनर को, सभी लोगों ने खा लिया, बस अभी मैं खाती हूँ। क्या ने खा लिया है? दिया ने खा लिया है, मेड बाई मी, हाँ मेड बाई दिया, श्रेया गलती से स्लिप और टंग हो गया, गुस्सा देखो जरा, कोई बात नहीं, पापा को इतना पसंद है, पापा थाली कैसे चाट देगा, ऐसे मैं चाटा करके थाली में बना रही हूँ, ठीक है मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ मुझे पता है। तो दोस्तों अभी खा पी के आ चुके हैं हम लोग रूम पे सोने के लिए, और आप पीछे से बैकग्राउंड देख करके आपको लग ही गया होगा बच्चों का रूम है, हम लोग मियाँ बीबी बच्चों के रूम पे सो रहे हैं और बच्चे गए बंदे के रूम पे सोने के लिए। और अभी जस्ट मैंने लगाई है यहाँ पे नेल पेंट क्योंकि कल है कुछ खास दिन के लिए, खास दिन बोले तो मेरा बर्थडे आने वाला है, पर कल नहीं है वो तो आने वाला है तो पता जाएगा आपको। तो चलो नील पेंट लगा चेंज कर लेते हैं, और नाखून ना काम कर करके जो नील पेंट निकल भी गई थी थोड़ा हल्का हल्का से क्रैक हो गए थे, मैंने कहा नील पेंट लगा करके नाखून को ज़रा सेफ किया जाए। तो खा पी करके आ चुके हैं रूम पे और काफ़ी लग चुकी है थकाई, और इसके बाद अभी थोड़ी बहुत सोने की करते हैं तैयारी। पति देव का तो अभी बैठे बैठे अपना काम चल रहा है, अभी ऑनलाइन ही काम हो रहा है। और यहाँ पर मैंने लगा रखा है ब्लॉग देख ली, फिर कपड़े सारे फैले पड़े हुए हैं, अभी कुछ भी नहीं है। और भैया ने बोला था आज हमारे कमरे में पेंट करके दे देंगे वो हमको, तो मैं बहुत खुश हो रही थी कि हम शाम को सारा अपना रूम थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेंगे। और इस चक्कर में मैं आराम निश्चिंत हो रही थी, बट नहीं हुआ आज हमारा रूम में। तो अभी बच्चों का है 9 और सुनते सोने की तैयारी, और ये तो काम करेंगे। तो इसी के साथ ब्लॉग की पेंडिंग करती हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपको मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।